तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको भी एमएस वर्ड में इंडिया का फ्लैग नेम बनाना था तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा एमएस वर्ड में इंडिया का फ्लैग कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने एमएस वर्ड ओपन कर लेना है एंड देन आपको जाना है इंसर्ट टैब पर एंड देन आपको यहाँ पर इल्यूजन्स के सेक्शन पर लिख रहा होगा शेप्स का ऑप्शन, उस पर जाना है एंड देन आप यहाँ पे शेप चूज करनी है फ्लैग की पंचुएट शेप वाली एंड देन आपको फ्लैग का जितना आपको स्टेप चाहिए आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन कंट्रोल करके एक और कर लेना है एंड ये आपको तीन चाहिए, तीन कर लेने हैं एंड देन आपको तीनों के शेप पे में जाके यहाँ पे आपको ऑरेंज चाहिए होगा, यहाँ पे आपको ऑरेंज सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे वाले पे ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है, ये रहा ग्रीन एंड यहाँ पर वाइट, इतना आपका काम हो गया एंड देन आपको हल्का हल्का छोटा कर लेना है, हल्का हल्का बिल्कुल एंड देन आपको ऊपर कर लेना है जो गैप है हटा देने इनके बीच का एंड देन आपको करना है बनाने ये वाइट के बीच में अशोक चक्कर। आपको इंसर्ट टैब पर जाना है अगेन, शेप्स को ओवल शेप ले लेनी है लाइक दिस ऐसे एंड यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है एंड इसी शेप पे आपको शेप फिल पे जाके नो फिल कर लेना है एंड शेप आउटलाइन में आपको ब्लू करना है लाइट ब्लू एंड विड्थ आपकी बिल्कुल 1.4 वाली होनी चाहिए जिससे आपके बिल्कुल सही बनेगा एंड आपको बट अभी ये लाइन्स लगानी है बीच में जो होती हैं, आपको इंसर्ट में जाना है शेप्स में जाके वो भी बन जाएगा, आपको आपको ही लेना है 24 पॉइंट्स वाली ऐसे लाइक दिस ऐसे एंड देन आपको ही बनेगा येलो पॉइंट दिख रहा होगा, आपको इसको नीचे ड्रैग करने आपको ये लाइन्स सभी बन जाएंगी तो आपको इसके अंदर फिक्स करनी है छोटे करके ये देखिए ये बिल्कुल सही परफेक्ट है ये देखिए। तो हम उस शेप का शेप का आउटलाइन थोड़ी डार्क कर देते हैं यहाँ पर जिसके साथ मिले ये वाली ठीक है जो उसके साथ मिलेगी भी एंड देन ये इसके अंदर बिल्कुल इंसर्ट कर देना है अगेन जैसे पहले किया था ये देखिए ये बिल्कुल उसके अंदर हो गया एंड देन हमारा रह गया साइड में डंडा एंड आपको वापस इंसर्ट पे जाना है एंड शेप पे जाकर आपको रेक्टेंगल ले लेना है एंड देन अगेन नीचे वो जाना है एंड आपको जितना लेना हो ले सकते हैं एंड पतला कर लेना है एंड शेप फॉर्मेट पे जाना है आपको एंड शेप फिल पे आप जो मर्जी कलर चूज कर सकते हो, मैंने ये लिया है ये वाला ठीक रहेगा या ये वाला ठीक रहेगा इसमें मैं ये वाला ले रहा हूँ, आप यहाँ पे जो मर्जी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें तो एंड देन शेप आउटलाइन आपको बताइए वन वो वाली लेनी है 1.4 वाली एंड देन आपको जाना है इंसर्ट पर अगेन शेप्स पर जाकर आपको जाना है ये वाली शेप ले लेनी है मैग्नेटिक डिस्क एंड पेज पर ऊपर करना है एंड ये वाले ये थोड़ी साइड से बड़ा कर लेना एंड देन आपको शेप फिल पर जाकर यहाँ पे लगा लेना ऑरेंज कलर एंड यहाँ पर आपको इसके दिख रहा होगा सेंड बैकवर्ड कर देना आपको जिससे ये आगे आ जाए जिससे बढ़िया लगेगा एंड देन आपको जाना है ये सेलेक्ट कर लेना कंट्रोल के नीचे
कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, ये इसकी कॉपी आ जाएगी एक, एंड आपको जाना है इसका शेप फिल पर जाके वाइट कर देना है, नो फिल भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, एंड देन अगेन इसका सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल दबा के दोबारा नीचे जाना है, तो आप एक और कॉपी आ जाएगी इसकी, और आपको साइड से थोड़ा थोड़ा बड़ा और कर लेना है, एंड यहाँ पे आपको शेप फिल में करना है ग्रीन कलर, एंड ये हमारा शेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका भी वो साइड पे जिससे धागा लगाना वो भी लगा लेते हैं अपने। तो यहाँ पर आपको लेना है, अब एक सेकेंड, आपको ये वाला लेना है, तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, तो आपको इतना ले लेना है, ये ठीक रहेगा बिल्कुल। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, हम बाकी शेप फिल में जाके आपको जो मर्जी कलर ले सकते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ, वैसे होता है वैसे ही वाला है, ये आपको होट स्लिम कर लेना हल्का सा, एंड देन रोटेट करना है आपको, और आपको वहाँ पे इन लगा देना है, या आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी कलर इंसर्ट कर सकते हैं इसमें, तो आप एंड आपको ये हल्का सा बिल्कुल आपको उसके साथ लगा लेना है, एंड आपको यहाँ पे करना है सेंड बैकवर्ड, ये देखिए, एंड कंट्रोल को होल्ड करके अगेन इसकी कॉपी निकाल लेनी है, एंड बिल्कुल रोटेट कर लेना आपको, एंड बिल्कुल अगेन उसके साथ माल लगा लेना है इसके बिल्कुल नीचे इस टाइप में, तो एक एक करके अच्छे से करके दिखाता हूँ, बिल्कुल यहाँ से हल्का छोटा कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जैसे आपको सेट बैठे, ये देखिए मतलब पूरा लगे इसके साथ कनेक्ट है, और आपको सिलेक्ट करना है अगेन यहाँ पे सेंड बैकवर्ड कर देना है इसको भी सेंड बैकवर्ड, तो यहाँ पे आपको क्रॉस कर देना है सेंड बैकवर्ड अगेन, तो हमारा हुआ नहीं, अगेन सिलेक्ट करना है इसको, यहाँ पे सेंड बैकवर्ड साइड में कॉर्नर ऑप्शन होगा उसमें जाके सेंड बैकवर्ड, ये हमारा हो गया सेट, आपको हल्का से इधर कर देना है, तो हमारा झंडा बन के तैयार है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।